रिस्पेक्ट सोर्स वीडियो को हम VN एडिटर से कैसे एडिटिंग करेंगे, चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर आप भी अगर VN एडिटर से रिस्पेक्ट सोर्स वीडियो बनाना चाहें तो केवल आसानी से आप भी रिस्पेक्ट सोर्स वीडियो VN एडिटर से बना पाइएगा, क्योंकि अभी के टाइम में YouTube पे अगर सर्च कीजिएगा रिस्पेक्ट सोर्स वीडियो, उस पर अच्छे खासे व्यूज अभी के टाइम में देखने को मिलेगा, लाखों में नहीं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख मिलियन करोड़ों में इस रिस्पेक्ट वाली वीडियो पे अभी के टाइम में रीच जो है अच्छा खासा रीच भी है और उस पर व्यूज भी आते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, एडिटिंग कैसे करना है, म्यूजिक कैसे लगाना है, अपलोड कैसे करना, अपलोड करने तक यानी पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे ताकि आपका जो रिस्पेक्ट वीडियो है वो वायरल 100% होगा। हम इस वीडियो में जो तरीका आपको बताएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली करना है यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना, ऐप को ओपन कर लेने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे सर्च करना सर्च बार में रिस्पेक्ट सोर्स वीडियो, सर्च कर देने के बाद सिंपली आपको करना है वहाँ बहुत सारे वीडियो चले जाएगा, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, थ्री डॉट पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपको फिल्टर पे जाना है, फिल्टर पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपके सामने वहाँ नीचे देखते होंगे क्रिएटिव कॉमन लिखा होगा, तो सिंपली उस पर क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देना। अप्लाई पे आप जैसे कीजिएगा तो क्लिक वहाँ आपके सामने में जितने भी वीडियो दिखाएंगे वो सारे के सारे क्रिएटिव कॉमन वाली वीडियो रहेगी जिसपे वो कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगी, समझ गए। सिंपली आपको वहां से जो वीडियो आपको लेना है वो वीडियो को आपको अपने गैलरी में डाउनलोड कर लेना है, वीडियो को देख के आपको डाउनलोड कर लेना है गैलरी में। डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली आपको करना है कि उसके बाद आ जाना है एडिटर पे, यानी VN एडिटर को चलिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कैसे आपको एडिटिंग करना है ताकि आपको उस वीडियो पे कोई भी दिक्कत ना हो, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको करना कि अपने VN वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना, ओपन कर लेने के बाद इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ न्यू प्रोजेक्ट का कैची वाला ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा आपका जो गैलरी है पूरा का पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जितना भी वीडियो रहेगा यहाँ पे सारा का सारा वो चले आएगा। सिंपली आपको करना है कि जो हम आपको बताए थे यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड कर ले अपने गैलरी में, तो गैलरी में डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे वीडियो चले आएगा। तो सिंपली चलिए वो वीडियो हम ले लेते हैं जो वीडियो को हम डाउनलोड किए, चलिए एग्जांपल के लिए ये वाला वीडियो हम डाउनलोड किए थे, इस पर क्लिक किया, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, एरो वाला पे तीर पर इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें करना है क्या, इस वीडियो का जो है साइज को लेंथ जो साइज होता है उसको हम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए ऊपर देख सकते हैं ओरिजिनल का ऑप्शन बना हुआ, सिंपली ओरिजिनल पे क्लिक कर देना, उसके बाद सिंपली यहाँ देखें कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, तो सिंपली आपको करना क्या 916 देख सकते हैं, ये टिकटॉक वाला देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली इसे ऊपर कर देना, उसके बाद सिंपली करना क्या कि सबसे पहले इस वीडियो का जो है साउंड बैकग्राउंड जो साउंड म्यूजिक है इसको आपको करना है ऑफ कर देना। ऑफ करने के लिए सिंपली यहाँ देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन देख सकते हैं, सिंपली वॉल्यूम पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ देखिए 100% है इसको कर देना क्या 0% पूरा, इस रिस्पेक्ट वाला वीडियो का जो है म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक को हम बंद कर दिए, उसके बाद ओके पे यहाँ टेक वाला ओके पे क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपको करना क्या सबसे लास्ट में चले जाना, सबसे लास्ट में देख सकते हैं इस तरह की एक ब्लैक टाइप का दिखेगा, इनपुट डायरेक्टेड बाय इनपुट द टाइटल, सिंपली इसको डिलीट कर देना। इस तरह इस पे क्लिक करके यहाँ देखते डिलीट का ऑप्शन है, वो एक्स्ट्रा जो पार्ट था वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या कि इसको चला के आपको देख लेना कि इस वीडियो में कितने पार्ट है, यानी कि कितने वीडियो को जोड़ के बनाया गया, ये एक वीडियो सिंपली जैसे हम देख लेते हैं ये मेरा चल रहा वीडियो, ये एक वीडियो वो हो गया और ये दूसरा देखें, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कहाँ से ख़त्म होता, एक ये हो गया और एक लास्ट में, यानी इस वीडियो में टोटल तीन पार्ट है, तीन पार्ट को हमें करना है क्या कट करना है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड करना है, जैसे तीन वीडियो है तीन वीडियो को जोड़कर एक रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियो बनाया गया, उसके बाद हमें करना है ये तीनों पार्ट को अलग करना। अलग करने के लिए सिंपली देखना है क्या चाहे वीडियो को चला के कि वीडियो ख़त्म कहाँ पर होता है, चलिए देखते हैं ख़त्म वीडियो कहाँ पर होता है, वहाँ से हमें यहाँ देखिए यहाँ से वीडियो इस तरह अपने उंगली की मदद से ये बीच वाला लकीर वाला पोजीशन देख सकते हैं वाइट टाइप का, ये आपका मेन पोजीशन हो गया, अपने वीडियो को स्क्रॉल करके ऐसे करके देख लेना कि ख़त्म कहाँ से होता है। देखिए यहाँ से ख़त्म हुआ तो आपको करना है कि इसका दो भाग में बांट देना, दो भाग में बांटने के लिए सिंपली इस पर कैची का ऑप्शन देख सकते हैं स्प्लिट, इस पर आपको क्लिक कर देना, ये देखिए दो भाग में ये वीडियो बच चुका है। उसके बाद सिंपली फिर से करना है कि इसमें और दो भाग हैं तो करना है कि इसको भी ऐसे अपने उंगली की मदद से चला के देख लेना है कि आपका इस वीडियो का भाग कहाँ से ख़त्म हो रहा है, इस तरह चला के देखिए जहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ से ख़त्म हो रहा है, सिंपली इसके बीच में रखना है, उसके बाद सिंपली इसको भी यानी ये टोटल तीन भाग में डिवाइड हो चुका है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भाग में एक्स्ट्रा जो तो ये वीडियो वीडियो का आ जाता है तो इसको अपने उनकी मदद से यहाँ देखें स्प्लिट का ऑप्शन है, इस लास्ट में आना है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना, कट कर देने के बाद सिंपली डिलीट कर देना, इस तरह आपको कर देना, तीन भागों में आपको बांट देना। मेन जो दिमाग लगाना जो अपना माइंड को लगाना है जिससे आपको चैनल पर कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वीडियो पर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको करना है क्या कि यहीं पर आपको करना और भी आगे मेन पॉइंट है जो है आगे हम बताएंगे, लेकिन जो है कुछ कुछ जो है ना पॉइंट बदलाव इस पर वीडियो पे भी होता है, उसके बाद लास्ट में जो वहाँ बताएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपको करना क्या कि तीनों पर तीन पार्ट में बच चुका है, इसको करना कि वीडियो को जो है
उलट पुलट कर देना। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला वीडियो था, इसको सेकेंड में कर देना, लास्ट में कर देना, और लास्ट वाला जो वीडियो था ये बीच में हो गया, और फर्स्ट वाला जो वीडियो था यानी बीच वाला जो वीडियो ये शुरू में यानी फर्स्ट में हो गया। इस तरह आपको डिवाइड कर देना, तीन भागों में डिवाइड कर देना है। इस तरह आपको तीन भागों में डिवाइड कर देना है। इसमें देखिए तीन भाग में वीडियो को डिवाइड कर दिया, उसके बाद सिंपली आपको करना है कि इसे एक्सपोर्ट कर देना, अपने गैलरी में सेव कर लेना। सेव करने के लिए सिंपली ऊपर में देखते हैं ब्लू टैब का एरो का ऑप्शन बना, सिंपली इस पर क्लिक करना। उसके बाद सिंपली यहाँ ओके का देखिए दो ऑप्शन देखिए, एक कट कुट का यानी कट का, एक है ओके का, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। ये वीडियो देखिए एक्सपोर्टिंग हो रहा है। एक्सपोर्टिंग हो जाने के बाद सिंपली आपको करना है कि यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना। चलिए हम आपको यूट्यूब ऐप को ओपन करके दिखाते हैं। सिंपली एक्सपोर्ट हो चुका है ये वीडियो, सिंपली करना है सेव टू ओनली पे क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पे आपको करना है यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेना, उसके बाद करना प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये क्रिएट ए सोर्स पे आपको करना है। इसे क्रिएट ए सोर्स पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने में इस तरह। उसके बाद सिंपली आपको करना है क्या किया, ऊपर में देखना कोने में 15 सेकंड है, उसको कर देना 60 सेकंड कर देना। 60 सेकंड कर देने के बाद सिंपली आपको करना है क्या, गैलरी का ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं ये नीचे बना हुआ गैलरी का, तो सिंपली आपको करना है गैलरी पे क्लिक कर। जैसे गैलरी पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, सिंपली वो वीडियो ले लेना जो वीडियो अभी सेव किए आप कर लिया। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा, इस देखिए ये वीडियो यहाँ पे चले गए, उसके बाद डन पे क्लिक करना है। मेन जो दिमाग जो वीडियो वायरल होता है यहीं पे, जो वायरल होता है यहीं पे होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे वीडियो वायरल होता है। ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेना है, प्रोसेसिंग लेने के बाद इस तरह आपके सामने में इंटरफेस आएगा। उसके बाद सिंपली करना एड म्यूजिक पे क्लिक करना, ऊपर में देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। एड म्यूजिक पे जैसे क्लिक कीजिए इस तरह इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको करना है ऊपर में सर्च बार में सर्च करना रिस्पेक्ट सॉन्ग, रिस्पेक्ट सॉन्ग लिख के सर्च कीजिएगा, आपके सामने बहुत सारे सॉन्ग चले आएंगे, यहाँ से आप सुन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो सिंपली जो सॉन्ग लेना चाहते हैं ऐड करना चाहते हैं उस सॉन्ग पे क्लिक कर देना है। उस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ देखिए ऊपर में ब्लू टाइप का देखिए साइड में बना हुआ, तो ब्लू टाइप पे आपको क्लिक करना। चलिए यहाँ पे देखते हैं ब्लू टाइप का बना हुआ है साइड में, ब्लू टैब पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर देने के बाद सिंपली आपके सामने में इस तरह इंटरफेस देखिए बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए ऐड हो, थोड़ा सा प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग लेने के बाद सिंपली इसमें ऐड हो जाएगा बैकग्राउंड में म्यूजिक। जैसे कर देना डन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में यहाँ पे वीडियो ये जो आपका जो शॉर्ट वीडियो था वो यहाँ पे चले आएगा। सिंपली यहाँ करना क्या है, एक टेक्स्ट लिखना है यानी ऊपर में रेस्पेक्ट लिखना है। रेस्पेक्ट लिखने के लिए सिंपली आपको करना है यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक कीजिए उसके बाद सिंपली यहाँ पे लिख देना है क्या, रेस्पेक्ट यानी रिस्पेक्ट लिखना है। रिस्पेक्ट लिखने के लिए यहाँ रिस्पेक्ट आपको लिखना है। उसके बाद सिंपली इसमें लगाना है क्या इमोजी, यानी लास्ट में शॉर्ट्स हो गया ऐसे थोड़ा कट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ लगते हैं इमोजी लगा देते हैं। चलिए अपने टेक्स्ट में ही इमोजी आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा कीबोर्ड में ही, इसमें करना है इमोजी लगा देना है। इस तरह इमोजी लगा के इसमें इमोजी लग चुका है देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली करना है इससे अपने उंगली की मदद से ऊपर लेके जाना, उसके बाद इसे अपने उंगली की मदद से थोड़ा सा बड़ा साइज कर देना ताकि पीछे पहले वाला जो रिस्पेक्ट लिखा था वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरह देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे टाइटल में लिखना है क्या, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए आप जैसा भी लिखना चाहिए लिख लीजिए, रिस्पेक्ट हम लिख देते हैं, रिस्पेक्ट शॉर्ट्स, शॉर्ट्स लिख दिए। उसके बाद यहाँ करना मेन जो पॉइंट जो शॉर्ट्स वीडियो वायरल होता है, रिस्पेक्ट वाला वीडियो वायरल होता है, यहीं पे लगाना, लगाना क्या है देखिए हैशटैग, हैशटैग देना है। उसके बाद सिंपली करना क्या, लिखना है क्या शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स लिख देना है। शॉर्ट्स लिखने के बाद देखिए ये एक हैशटैग हो गया, जब तक ये नहीं लगाइए तब तक आपका जो शॉर्ट्स वीडियो वो वायरल नहीं होगा, ध्यान देना। उसके बाद फिर से हैशटैग लिखना, स्पेस देके फिर से हैशटैग लिखना, हैशटैग देने के बाद सिंपली करना क्या फिर से लिखना है शॉर्ट्स। फर्स्ट वाला में एस लास्ट में लगा, इसमें लिखना है शॉर्ट, लास्ट में एस नहीं लगा, शॉर्ट सिर्फ लिख दिए, समझ गए। स्पेस फिर देना है फिर से, उसके बाद फिर से यहाँ हैशटैग लगा, हैशटैग लिख के फिर से लिख लिया है शॉर्ट्स वीडियो। देखिए शॉर्ट्स वीडियो नीचे चले आए ऑप्शन पे सजेस्टेड में, शॉर्ट्स वीडियो पे क्लिक कर देना, फिर से स्पेस देना, उसके बाद फिर से देखना हैशटैग देना है। हैशटैग देने के बाद फिर से लिखना है क्या शॉर्ट्स फीड, लिख लेने के बाद फिर से एक हैशटैग देना है, उसके बाद फिर से लिखना है क्या शॉर्ट्स वायरल। या देख सकते हैं ये कुछ टैग्स हैं, इस तरह इतना आपको देना ही देना अपने शॉर्ट्स वीडियो में। इस तरह दे देने के बाद सिंपली आपको करना क्या इस शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर देना अपने चैनल पे। अपलोड कर देने के बाद 100% आपका जो शॉर्ट्स वीडियो वो वायरल होगा ही होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे रिस्पेक्ट वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, यानी पूरा का पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हम आपको बताएं इस वीडियो में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता हो तो हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।